Yeah.
प्रश्न किया है हम गुरु हमें कहाँ मिलेगा, गुरु हमें कहाँ मिलेगा। तो प्रभुपाद इसको उत्तर देता है, बोले करुणा में या कृष्ण जाके अपनार गुरु बोले प्रेरणा करवे तिनी बाहिरे महांत गुरु रूपे अपनार निकट प्रकाशित होवे। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कद भगवान बड़े दयालु, भगवान बड़े करुणा है भगवान की। अभी भगवान हमारे पिताजी हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम संसार में तरह तरह का दुख कष्ट भोगते हैं, इसलिए पिता भी कभी बच्चों का दुख कष्ट को सहन नहीं कर सकते। अगर पिता माता सुखी हो, बच्चे अगर दुखी हो, पिता माता देख करके दुखी रहते हैं ना। अगर बच्चे अगर खुश रहे, पिता माता देख करके खुश होते हैं, बच्चा हमारे सही सलामत है। इसलिए हम सब भगवान के बच्चे हैं। अगर हम संसार में दुख कष्ट भोग करेंगे, इसलिए भगवान उसको देख करके सुखी नहीं रह सकते। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान बड़े दयालु, भगवान बड़े कृपालु है, इसलिए भगवान क्या करते हैं, जगत में गुरु जी को भेजते हैं, हैं गुरु जी को भेजते हैं। इसलिए गुरु चार तरह के होते हैं, कहते एक है हमें जो प्रतिमा प्रदर्शक जिसने हमें रास्ता दिखाया, दूसरा है जिसे हमें दीक्षा दिया, तीसरे हैं जिनसे हम भक्ति की शिक्षा प्राप्त करते हैं, चौथा है जो अंतर्ज्ञान रूप में हृदय में जो बैठे हुए हमारे हमारी सारी गतिविधियों को जो देख करके हमें जो प्रेरणा करते हैं। इसलिए भगवान करुणामय होने का नाते भगवान क्या करते हैं, क्या तो भगवान महान गुरु रूप में स्वयं भगवान अंतर्ज्ञान रूप है,
इसलिए महापुरुषों ने सुपर में जिसको गुरु रूप में दर्शन किया। अंतर्जाम गुरु मतलब हृदय में जो अंतर्जाम रूप में बैठे कौन है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही कहते। भगवान कृष्ण चंद्र ही कहते ये स्वयं एक गुरु रूप में बाहर में प्रकटित हो जाते। प्रकटित होकर के भगवान ने ही हमें गुरु जी को पास में ठाकुर ही भेजते हैं। गुरु जी को भक्तों को पास में, भक्तों को गुरु जी को पास में ठाकुर ही भेजते हैं। भगवत कृपाए गुरु मिलवे एवं गुरु कृपाए भगवान पार जल। इसलिए कहते भगवान की कृपा से हम जीवन में गुरु मिलते हैं और गुरु जी की कृपा से हमें भगवान मिलते हैं। दोनों दोनों की कृपा से हमें दोनों प्राप्त होते हैं। कहते निज निज भाग्य अनुसार गुरु मिले। कहते गुरु कैसे मिलते हैं? कहते थे अपना अपना भाग्य के अनुरूप हमें गुरु पाद पद में मिलते हैं। हमने जैसे भाग्य किया होगा उसी भाग्य में हम अनुरूप ऐसे ही गुरु मिलेंगे। सर्वज्ञ भगवान विभिन्न लोकर विभिन्न चित्तवृत्ति देखे तादर निकटे से रूप गुरु प्रेरणा करें। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान सर्व जानते हैं। सर्व का मतलब भगवान सब कुछ जानते हैं। कहते जगत में विभिन्न तरह तरह के लोग हैं और उनका चित्त वृत्ति भी एक नहीं। सभी का चित्त वृत्ति भी अलग अलग है, सभी की भावना भी अलग अलग है। इसलिए जिसका चित्त वृत्ति जैसे है, जिसकी भावना वैसे है, कहते भगवान क्या करते हैं उसको पास में भगवान कैसे ही कथा हो रही। तुमको पता नहीं कथा बढ़ ना जूस बढ़ रखो उसको कथा पहले सुन लो। इसलिए भगवान क्या करते हैं हम हमारी जैसे हमारी भावना है कहते भगवान भावना के अनुरूप भगवान क्या करते हैं हमें गुरु प्रेरणा करते हैं। जरा भगवान निष्कपट कृपा चार जरा नित्य मंगल लाभर जन्य भगवान ऊपर संपूर्ण निर्भर करें। भगवान से ही सर्व निष्कपट व्यक्ति प्रति प्रसन्न होए ता दिग के कृपा करार जन्य तादर निकट नीचे गुरु के प्रकाशित। कहते दो तरह का कृपा है, कहते एक है कपट कृपा है और एक होता है निष्कपट कृपा है। कृपा दो तरह का कृपा है। तद वास्तव रूप में जो भगवान का निष्कपट कृपा चाहते हैं भगवान हमें सही सही ठाकुर का आशीर्वाद हो, हमारे पर भगवान की कृपा हो और जो लोग वास्तव रूप में अपना नित्य मंगल ही चाहते हैं, हमारी वास्तव रूप में कल्याण हो और संपूर्ण रूप में भगवान को निर्भर भी करते हैं, ठाकुर का जैसे हिसाब वैसे ही होगा। भगवान क्या कहते ऐसे जो निष्कपट व्यक्ति है भगवान उसको पर प्रसन्न होकर के क्या करते हैं उसको पर में कृपा करने के लिए कृष्ण ही स्वयं गुरु रूप में जगत में प्रकटित होते हैं। जैसे ध्रुव महाराज है जब तपस्या कर रहे थे जब उनकी भावना को देख करके उनकी उत्कंठा को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए कि सचमुच से मेरे को पाने के लिए बड़ा उतावला हो रहा है। भगवान ने क्या किया नारद जी को भगवान ने भेजा जाओ तुम जाकर उनको दीक्षा मंत्र दे करके आओ। फिर नारद जी आए फिर दीक्षा मंत्र दिया ध्रुव जी भगवान को दर्शन करते फिर उनको भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान जिसको पर में सचमुच के निष्कपट कृपा करते हैं उसको भगवान ही स्वयं गुरु रूप में उसको पास में प्रकाशित होकर के उसको ज्ञान दे करके भगवान क्या करते हैं उसको अपना पास में ले आते हैं। हर जरा भगवान ने कपट कृपा चाह लेकिन जो व्यक्ति भगवान का निष्कपट कृपा को नहीं चाह करके जो व्यक्ति भगवान के पास में कपट कृपा चाह तो भगवान उसके लिए फिर क्या करते हैं तादर चित्त वृत्ति अनुसार भगवान ने माया तादर का तदनुजाई गुरु प्रेरणा करें। ये जो वास्तव रूप में भगवान को
कृपा नहीं चाहते, कपट कृपा चाहते, उनका हृदय निष्कपट नहीं है, हैं? कपट हृदय है। भगवान क्या करते हैं, कपट गुरु जी को फिर भेज देते हैं, फिर उसको पास में निष्कपट गुरु को नहीं भेजते हैं, हैं? उसको पास में ठाकुर जी सही सही गुरु नहीं चाहते भेजते, क्यों? क्या उसका हृदय ही कपट है, जिसका जैसे ना जिसकी भावना जैसे हरी मूर्त से, इसलिए जो निष्कपट कृपा होगा जिसको ऊपर में ठाकुर जी क्या करके शुद्ध वैष्णव परंपरा में जुड़े, जिसको शुद्ध वैष्णव परंपरा में जुड़े, सचमुच से जिस परंपरा में जुड़ने पर एक दिन हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, शुद्ध लाइन पर जोड़ते हैं, अगर जिसको ऊपर में भगवान की कपट कृपा होगा, भगवान उसको सही रास्ता में नहीं दिखाएंगे, उसको उल्टा पुलटा व्यक्तियों के पास में भेज देंगे, जाओ वहाँ चली जाओ, वहाँ चली जाओ, वहाँ चली जाओ, क्यों? उसके हृदय में शुद्ध भावना है ही नहीं, भगवान को पाने का निष्कपट उसकी बोलती है ही नहीं, इसलिए उसको पास में भेज फिर कपट गुरु को भेज देते हैं, निष्कपट गुरु को भेजते नहीं है। इसलिए निष्कपट व्यक्ति कखन हो असुविधा है ना कि अचिरे ही सदगुरु संधान पाए। प्रभुपाद कहते सचमुच से वास्तव रूप में जो निष्कपट व्यक्ति है, हैं, कहते उसका कभी भी जिंदगी में कोई असुविधा नहीं होती, जीवन में कोई दिक्कत नहीं आता है। बोले क्यों नहीं आता है? कहते ये भगवान की निष्कपट हृदय से भगवान को पुकारता है, भगवान ठीक वैसे ही ठाकुर जी उसके लिए ठीक व्यवस्था वैसे ही कर देते हैं। इसलिए कहते वो व्यक्ति बड़े जल्दी जल्दी सतगुरु को प्राप्त करके शुद्ध वैष्णव मार्ग में चलते हुए फिर भगवान की भक्ति करके भगवान को वो पा सकता है। ये एक प्रश्न, ये एक उत्तर गया है, और एक प्रश्न उत्तर सुन लेते हैं। किसने पूछा, प्रभुपाद जी ये साधु संघ की हर समय करनी चाहिए, अगलिया साल में एक बार आ गए गुरु जी, इधर लोग क्या करते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन वैसे ही दर्शन नहीं देंगे, फिर गुरु पूर्णिमा के दिन एक बार आएंगे, आकर क्या करेंगे, थोड़ी सी फूल ले आएंगे, फल ले आएंगे, गुरु जी को चढ़ा देंगे, फिर गुरु से कोई मतलब नहीं, फिर वैष्णव से कोई मतलब नहीं। इसलिए किसने आकर गुरु जी को बोले, गुरु जी मेरे को पहचान रहे हैं, गुरु जी बोले तुम कौन, बोले मैं आपका शिष्य हूँ ना, चेला हूँ। बोले बेटा कितने दिन बाद में आया है, बोले एक साल, बोले एक साल, बोले गुरु दीक्षा मंत्र लिए हो, कहाँ गुरु जी की संग करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, जैसे हम एक गमला में पौधा लगाए, अगर पानी नहीं दो तो कब तक जाएगा, दो दिन बाद सूख कर मुरझा जाएगा, साल में एक बार आए हो, अगर गुरुदेव मेरे को पहचानते हो, संसार में दिन भर बीवी बच्चों के लिए दिन भर मेरे साथ में रमे रहते, इसलिए पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद साधु संग क्या सर्व समय करनी चाहिए संतों की संग, तो प्रभुपाद कहते सर्व कर्ण साधु संग थकते अवे सत्संग व्यतीत दुर्बल हम किचू ते बांचते पार्बो ना। प्रभुपाद कहते हैं हर समय में सत्संग में रहना पड़ेगा, शास्त्र कहता है, हैं? कहते सत्य सज्जे तो बुद्धिमान तत्सज्ज मुत्सज्ज सत्य संग सत्य बुद्धिमान। इसलिए जो बुद्धिमान क्या करता है, असत संग को छोड़ करके हर समय में सत्संग में रहता है। इसलिए दिनु सत्संग विवेक ना हो राम का दिनो सुलभ ना हो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सत्संग के बगैर हम बड़े दुर्बल हैं, हम लोग बड़े दुर्बल हैं, हम किसी तरह से साधु संग के बगैर हम बच नहीं सकते। इसलिए हमारा कृष्ण नित्य केना गोला एक कथा भूले गए माया गलाए भय पड़ते हवे। इसलिए अगर साधु संग में अगर हम रहेंगे क्या होगा, कथा सुनते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, करने पर हमें ये याद रहेगा हम कौन है, बोले जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीव का जो असली स्वरूप है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुतरासी। हम समय ये याद रहेगा हम भगवान की संतान, जब भगवान की सेवक हमें क्या करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए,
साधु संघ में तो ज्ञान होगा, अगर साधु संघ नहीं करेंगे तो इधर उधर का बात है, इधर उधर की बात सुनेंगे, उल्टा पुल्टा लोग का संगत करेंगे। बोले इतना बड़ा बड़ा तिलक टीका तुम लगा रहे हो, गला में कंठी लगाने से लगा, प्याज लहसुन भी नहीं खाते तुम्हारे संप्रदाय में, कहते चाय भी क्या मत पिया करो, सब समय के भजन करने की जरूरत है? अरे कभी चले गए गुरु का दर्शन कर लिया, हर समय माला लेने का क्या जरूरत है भाई? जगत में है देखना, ये बिल्डिंग के बनाने में कितना दिन लगा होगा, लेकिन इसको तोड़ने के लिए कितना दिन समय लगेगा? एक दिन में बोल्डर लाओ, एक दिन बोल्डर लाओ उसको तोड़ दो। इसी तरह के तो भक्ति का जीवन बनाना बड़ा कठिन है, तोड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, उल्टा पुल्टा संगत में बैठ जाओ बुद्धि खराब कर देगा, एक दिन में तुम्हारी भक्ति भक्ति को खत्म कर देगी एक दिन में है। लेकिन भक्ति का जीवन बनाना प्रभुपाद कहते इतना आसान नहीं है, कहते सौ जाले में खूब खर्चा करना पड़ता है एक व्यक्ति को सही रास्ता पर चलाने के लिए, उसको कथा सुना सुना करके ज्ञान दे दे करके उसको धीरे धीरे भक्ति मार्ग में चलाने के लिए। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं अगर हम वैष्णव का संग साधु संग नहीं करेंगे फिर गला झट माया पकड़ेगा, गला में झट माया गला पकड़ेगा तुम्हारी। इसलिए कहते भगवत सेवा हल भक्ति और भोगे छा अभक्ति बा संसार यही सर्वनाश का संसार होते, बाची बार एक उपाय प्रणिपात परिप्रश्न सेवा वृद्धि सहकारी गुरु वैष्णव निकट कृष्ण श्रवण कथा श्रवण। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कहते भगवान की सेवा ही ये भक्ति है, भगवान की सेवा ही ये भक्ति है, और भोग इच्छा ये अभक्ति। भक्तों का भावना क्या है? हर समय भगवान की सेवा करे, साधु संत की सेवा करे, भगवान की कथा सुने, हर समय भगवान की कथा में भक्ति में रमे रहे, कहते ये भक्तों का संघर्ष की भावना आती है। लेकिन कहते अगर अभक्त का संग करेंगे तो जो भक्त नहीं वो क्या बोलेंगे? सिनेमा नहीं जाओगे, घूमने नहीं जाओगे? चलो ना थोड़ा घूम करके आते हैं, थोड़ा सिनेमा देखा आते हैं, चलो इधर जाएंगे उधर जाएंगे। लेकिन अगर भक्तों का संग करोगे चलो वृंदावन, चलो वृंदावन जलते हैं, झूला आएगा अभी, जन्माष्टमी आएगी, राधाष्टमी आएगी, चलो वृंदावन में, चलो मंदिर में, चलो वहाँ भगवान कथा होगा, हरि कीर्तन होगी, चलो हम क्या करेंगे भगवान का धाम में जाएंगे। लेकिन उल्टा पुल्टा संगत होगा तो हैं तो तुम्हारे कोई काम नहीं, दिन भर मंदिर मंदिर तुम बोलते रहो, तो बोलो तो वृंदावन चलो, वृंदावन में क्या रखा होगा, वृंदावन में क्या रखा होगा, चलो हाँ कुल्लू मनाली घूमने के लिए चलेंगे और इधर उधर कहीं घूमने के लिए। इसलिए कहते जब भक्तों का संग करेंगे, भक्त लोग हमें भक्ति मार्ग में प्रभु की भजन के मार्ग में चलाएंगे, लेकिन जो असत व्यक्ति की हम संग करेंगे हर समय हमारे हृदय में केवल भोग वृत्ति जगा रहेगा, केवल भोग करेंगे भोग करेंगे भोग करेंगे हैं, यही भावना रहेगा। इसलिए प्रभु बात कहते हैं कहते ये जो सर्वनाश है जीव का, इसमें सर्वनाश है, यही सर्वनाश का संसार रहते बाकी बार एकमात्र उपाय क्या है? अगर ये सर्वनाश से अगर बचना चाहते हो, ये माया से अगर तुम बचना चाहते हो क्या करो, तदवी भी परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदर्शन देते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शनम्। ये जो श्लोक है भागवत का एकादश स्कंध में, वहाँ पर नेमि महाराज नव जोगेंद्र को एक जोगेंद्र को एक प्रश्न किया, उनका प्रश्न था कि माया संती माया बड़ी ठगनी है, माया बड़ी ठगनी है, माया है झूठा ही संसार है, लेकिन ये माया जो ठगनी जो झूठा संसार से अगर कोई बचना चाहते उसको क्या करनी चाहिए, उसको क्या करनी चाहिए? माया मतलब क्या है? जो जो चीज नहीं वो चीज को हम नहीं मान रहे, संसार में कोई किसका है ही नहीं, ये संसार की धर्मशाला है, ये धर्मशाला में रात को रुको ना बैठे तू गप्पे मारो तू कहा तू कहा तू कहा आए सबरे होते गए, इस संसार ठीक वैसे हम केवल वहां बैठ करके गप्पे मार रहे हैं, तुम मेरी बीवी हो, मैं तेरे पति हो, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारे पिता माता है, इतने गप्पे मार रहे हैं और कुछ नहीं यहाँ पर, समय आएगा ना, अपना समय आएगा तो यहाँ से चले जाएगा, यहाँ से
इसलिए कहते जो माया मतलब क्या होता है, जो जो चीज नहीं वो चीज को है मानना, इसको कहते हैं माया। हम कहते हैं कि माया संसार है, बोले झूठा संसार, अनित्य संसार है, झूठा संसार है। तो प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं, और ये माया बड़ी ठगी थी। ये माया क्या करती है, ये शरीर को प्रति मैं और मेरा पढ़ ले आता है। ये शरीर मैं हूँ, जिसको टाटी पे सबका थली है जिसको मैं हूँ, और ये शरीर संबंधी जितना वस्तु है ना, ये सब का सब मेरा है। एकांत सुन ले, बोले एक समय नारद जी भगवान से बोले, प्रभु प्रभु हमने बड़ा माया बड़ा विचित्र है, माया बड़ी विचित्र है। नारद जी, नारद जी कह रहे हैं नहीं, ये सुदामा और कृष्णा जब वो पढ़ने के लिए गए थे उज्जैन में, अभी कृष्ण सुदामा दोनों जा रहे थे समुद्र में नहाने के लिए, जाते समय बीच में सुदामा प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु कृष्ण को बिल्कुल, कृष्ण मैंने क्या सुना, तू भगवान, तुम अपना माया से ही दुनिया को नचा रहे हो, थोड़ी सी तुम अपना माया मेरे को दिखा दोगे। इतने में कृष्ण बोले ठीक है, समय होगा तो मैं तुमको अपना माया दिखा दूंगा। बोल दी, अभी दोनों ही स्नान के लिए जा रहे थे, जाते जाते दोनों हाथ पकड़े हुए थे, इतने में समुद्र में गोता लगा, गोता लगाते ही समुद्र की एक झपका आई। समुद्र देखे हो, नहाए समुद्र में, पानी कैसे आती है, लहरी कैसे जोर से आती है ना, इसलिए जब उन्हें डुबकी लगाई एक समुद्र की लहरी आई, झपटा मारी तो कृष्ण हाथ से सुदामा को अलग कर लिया, और वो पानी में डूबते तैरते डूबते तैरते हैं, पता नहीं कहाँ चला गया, डूबते तैरते कहाँ चला गया, वो चला गया। उसे तो होश आया ना, इतना बड़ा सुंदर एक राज्य है, बड़े सुंदर एक राज भवन है, और देखा बड़ी सुंदरी एक प्यारी राजकुमारी एकदम सज धज करके हाथ में वरमाला लेकर के आ गई, और आकर के ना सुदामा जी गले में, आज से तो मेरे पति तो मैं तुम्हारी पत्नी, राजमहल हमारी घर, आज से तू राजा और मैं रानी। अभी दोनों बड़े आनंद पूर्वक में रह गए, और उनके कुछ बच्चे भी हो गए। एक दिन देखा सुनामी फिर आई, सुनामी इतना तेजी से सुनामी आई, पूरा उसको राजमहल डूब दिया, और जो उसके जो प्राण के जो प्यारी जो एक जो बच्चे बच्चे कितने प्यारे होते हैं, उसको देखा उसको सामने एक एक बच्चे डूब करके मर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन किसी तरह बच्चों को बचा नहीं पा रहे, एक एक डूब डूब मर रहे थे, लास्ट में सारे बच्चे गए, तो एक बच्चा मर जाता जिस छाती उसको फट जाता, कोशिश किया पत्नी को भी बचाने के, लेकिन इतने तेजी है लहर की कूद गई नहीं बचा पा रही, देखते देखते प्राण से प्यारी नयनों के तारे प्राण के प्यारी जो पत्नी थी ना, वो पत्नी भी पत्नी भी खत्म हो गई, जो पत्नी खत्म हो गई तो देखा मेरा संसार खत्म। इतने में देखा है कि समुद्र की लहरी आई, ऐसे झपटा मारे और उसको कहाँ से कहाँ ले गए, उसको कहाँ से कहाँ ले गए, ले करके इतने में कृष्ण सुदामा डुबकी लगाए थे समुद्र में, जब दोनों उठे ना समुद्र से, देखा सुदामा वो हाँप रहा था, कृष्ण बोले सुदामा ये क्या हो गया, तो हाँप क्यों रहे हो, तो देखा कांप रहा था, क्योंकि बीबी मर गए बच्चे मर गए ना, वो हाँप रहा था, फिर तूने क्या बात है क्या हो गया, वो तो आपके बच्चे चक्के हो गए, बोले ये क्या, अरे कृष्ण ये क्या है, बोले हम तो गुरुकुल से भी स्नान के लिए आए थे दोनों, लेकिन कृष्ण हमने देखा मेरी शादी हो गई, राजकुमार से बच्चे हो गए, और देखा सुमान सुनामी में एक एक सबके सब मर गए, मेरे सामने मर रहे थे, हाँ इसलिए सुदामा कांप रहा था भाप रहा था। कृष्ण ने कहा सुदामा तुमने मेरे को बता था ना माया दिखा लो, तेरी माया कैसी, धूप की ला कर उठते उठते शादी भी हो गया, बच्चे भी हो गए, अब बच्चे भी मर गए, बच्चे मर भी गए, इसलिए कहते भैया ये यही माया है, जीव इसी माया की चक्कर में जीव पड़ करके ये दुख कष्ट को उठा दो, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले देखो कि जब कहते ये
प्रश्न कर रहे हैं नमी महाराज जी को, क्या प्रश्न कर रहे हैं कि जो माया ठगनी है, ये ठगनी माया से हम कैसे बचे है? तो उसका उत्तर देते हैं, बोले तस्मात योगिन प्रपद्यते। कहते अगर माया से बचना चाहते एक उपाय, तुम गुरु जी की शरण में चले जाओ है, जिज्ञासु श्रेय उपम। तो गुरु जी के पास में जाकर प्रश्न क्या करना, दुनियादारी की बात नहीं करना, बेटा कहके शादी हो जाए, बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसकी नौकरी नहीं लग रहा है, अब कभी दुनिया की बात मत करना, बोले जिज्ञासु श्रेय उत्तम। कहते जो उत्तम श्रेय, उत्तम श्रेय मतलब क्या, जो वस्तु पाने से किसी जीवन में भी सुखी रहोगे, उसको बाद में तो आनंद ही आनंद है, उसके बाद में आनंद ही आनंद है। कहते ये जो उत्तम श्रेय, और जो श्रेय मतलब होता है जिसको पाने से कभी हम जीवन में दुख होगा नहीं होगा। देखो एक प्रेय है और एक श्रेय है, देखो प्रेय श्रेय समझो। प्रेय उसे कहते हैं जो थोड़ी समय के लिए तुमको सुख देने वाली है, लेकिन बाद में तुमको दुख देने वाली। कहते प्रेय किसको कहते हैं, थोड़ी समय के लिए थोड़ी सी दुख देने वाले, लेकिन जिंदगी भर तुमको सुख ही सुख। जैसे समझो बच्चे जैसे पढ़ाई करते हैं, कुछ दिन पढ़ाई करेगा, 10-15 साल बढ़िया से पढ़ाई कर ले, बढ़िया नौकरी पाकर क्या करेगा, आनंद में रहेगा। लेकिन वो बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो बचपन में मस्ती रहेगा है, बोले कौन इतना दिमाग लगाता है, चलेगा खुद का फिर जिंदगी में दुखी को करेगा। उसी तरह भगवान की भक्ति में अगर कुछ दिन सही सही तरह की भक्ति कर लो, चाय मत पिया करो, प्याज लहसुन मत खाओ, गलत संगत में मत बैठाओ, मांस मछली मत खाया करो, जो कुछ कर ठाकुर को भोग लगाकर खाओ, समय को नष्ट मत करो, प्रभु की भजन करो, हरिनाम करो, ठाकुर का सेवा पूजा करो है। ये तो पहले लगेगा पट सारी सारा दुनिया चाह पी रहे, हम चाहे सारा दुनिया शादी में जाकर प्याज लहसुन खा रहे, मस्ती ले रहे, और हम बगैर प्याज लहसुन के दही भल्ला खा रहे हैं। इसलिए देखने के लिए क्या लगता है हमको है, और दुनिया देखना जब माताओं की गोष्ठी बैठ जाती है, कभी सुना है इसका छोरी क्या कर रहा है, उन्हें सुनियो उसके साथ में घर में कैसे बहु सास पोछी लड़ा, देखो ना सारा दुनिया की बात बैठ बैठ करते, लेकिन भक्त क्या करता है, संत से दूर रहते, दूर रह करके संतों के साथ हरी चर्चा करते हैं, हरी नाम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। अगर ये जीवन में थोड़ी अगर कष्ट उठा लिया, जैसे नीम पत्ता खाने में तो कौड़ी लेकिन पेट में जाएगा तो बढ़िया काम करेगा। कहते कहते जो श्रेय है ऊपर से तो दिखता है, अरे ये सब नहीं, अगर थोड़ी सी कष्ट करके एक जीवन प्रभु की साधन भजन कर लिया, कहते हैं हितवान जन्म सफल्यम नहीं नाम यह द्वेश। अभी तक जितने जीवन बीता सारे जीवन तुम्हारे धन्य हो जाएगा, अगर प्राणी अर्थ यह वाचा श्रेय आचरण होगा। अगर किसी जीवन में मन प्राण चित्त को देख करके प्रभु की भजन में लगा दिया, भक्ति में, एक जीवन कष्ट लग गया, जैसे कष्ट तो है आनंद आनंद, कलयुग में भगवान का आनंद ही देखो, कथा सुन रहे आनंद आ रहे, नृत्य कीर्तन आनंद हो रहे, कथा सुन रहे आनंद, प्रसाद भी पा रहे आनंद, आनंद ही आनंद है कि नहीं, भक्ति में आनंद ही है, कोई अंधेरा आनंद नहीं है। इसलिए आप कहते हैं सदगुरु के पास में जाकर के जिज्ञासा श्रेय उत्तम, उत्तम श्रेय जिज्ञास करनी चाहिए, हमारे आत्मा के कल्याण कैसे हो, उधार कैसे हो, संसार से आकुर कैसे हम मिले जीवन में, ये उत्तम श्रेय उनको प्रश्न करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, प्रणिपात, पहले जाकर के शरणागत हो जाओ, उनसे भगवान से प्रश्न करो है, और उनकी गुरु वैष्णव साधु की सेवा, उनको सेवा करो। जो व्यक्ति जाकर के सेवा चित्त वृत्ति कार्य, गुरु वैष्णव निकट कृष्ण कथा श्रवण करो, इसलिए सेवा चित्त वृत्ति को साथ में गुरु वैष्णव की श्रवण करो, प्रीति सहित हरि कथा सुन ले, संसार करवार प्रवृत्ति खेमे जावे। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर वैष्णव के संगत में अगर हर समय रहेंगे, हरि कथा सुनेंगे ना, फिर क्या होगा, फिर पता लगा नहीं करेंगे, संसार से दूर रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन अगर भक्तों का संग अगर छूट जाएगा है, फिर उल्टा पुल्टा लोगों का संगत करेंगे, लेकिन अरे सारा जीवन है सब साधु तिलक लगाकर क्या होगा, ये भगवान ने जवानी दिया, संसार सुख भोग किया नहीं, पर जीवन में तुमने किया ही क्या,
खाली संसार कर लो, मैं सारा दुनिया संसार कर रहे क्या मुझे नहीं कर रहे। प्रहलाद महाराज भी संसार थे, गुरु महाराज भी संसार थे, प्रहलाद अम्बरीश महाराज संसार थे, क्या भक्ति नहीं किया? क्योंकि जो गलत रास्ता दिखाने वाले ना बहुत लोग है, लेकिन सदमार्ग दिखाने वाले बहुत माया के संसार में डाले। लेकिन अगर भक्त संसार में रहोगे, भक्तों के साथ में जगाते रहेगी, नहीं ये माया है, ऊपर जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो दिख, जो दिख रहा है वो है ही नहीं है। ये संसार कैसे है? सोने की जैसे कलसी है, लेकिन उसमें हाथ मारो ना केवल अंदर में जहरी जहर। इसलिए संसार दावा नलली, संसार क्योंकि आग जल रही, जल रही कि नहीं संसार में, जल रही की आग नहीं है, जल रही ना। आप लोगों को पता होगा, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई काम से दुखी, दुखी दुखी होगी नहीं है, दुखी दुखी। इसलिए प्रभुपाद कहते जब साधु संघ में रहोगे ना, भगवान की कथा सुनते सुनते तुम्हारे अंदर में भक्ति की भावना रहेगी। जब असत संग करोगे बस उनको भक्ति से अलग कर ले। इसलिए क्या करो, सत्संग में रहो। एक उदाहरण दिया है, साधु संघ कितने में ध्यान से सुनो। मतलब एक समय जैसे आपका कोई घर है, चार तरफ में दीवार लगा हुआ, आप एक महीना के लिए कहीं जा रहे हो, एक महीना के लिए कहीं जा रहे हो, लेकिन चार तरफ में दीवार लगा हुआ, घर में ताला भी बड़ा लगा हुआ है, इसको छोड़ करके तुम जा रहे हो घर एक महीना के लिए। एक व्यक्ति ने इतना दीवार विवाल कुछ नहीं, घर है, लेकिन उसने एक चौकीदार रख कर गया है। आप बताओ दोनों को व्यक्ति का घर किसका सेफ रहेगा? चौकीदार वाला। चौकीदार वाला। लेकिन जिसका चौकीदार नहीं, मोटी दीवार है, बड़ा ताला लगा हुआ है, लेकिन चोर कभी भी आकर उसको तोड़ करके चला सकता है। लेकिन जिसके चौकीदार जिसको रख कर गए ना, उसको पता है पूरा सेफ। क्यों? चौकीदार रख कर गए। कहते जो साधु संघ है ना, कहते ये चौकीदार ये साधु संघ, अगर साधु संघ में अगर हम रहेंगे तो हम भक्ति हमारी बची रहेगी। अगर साधु संघ से अलग हो जाएंगे ना, भले जितना तुम्हारी कुछ घर में जो कुछ नहीं हो, भैया बचना बड़ा कठिन है माया। इसलिए कहते बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा क्या करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हर समय सत्संग में रहो, जैसे घर में घर है, अगर एक दिन ही अगर घर में झाड़ू बुहार नहीं लगाओ तो क्या हो जाता है? एक दिन ही अगर स्नान नहीं करोगे अच्छे लगेगा? उसी तरह साधु संघ हमें हर समय में हमें साधु संघ करनी चाहिए। इसलिए साधु संघ से अगर कल्याण बोले मिताई गौर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।